शिवपुरी शहर के पुराने ट्रैफिक थाने के पास पुलिस वैन ने साइकिल सवार 12वीं की छात्रा को रौंद दिया। इस हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं पुलिस वैन मौके से फरार हो गई। घटना शनिवार सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक होटल पीएस के पास की रहने वाली सरस्वती यादव उम्र 17 साल 12वीं क्लास में पढ़ती थी। सरस्वती यादव आज सुबह 9 बजे के लगभग राजेश्वरी रोड स्थित कोचिंग सेंटर से अपने घर साइकिल से लौट रही थी, जब वह पुराने यातायात थाने के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार पुलिस वैन ने छात्रा को टक्कर मार दी, इसके बाद मौके से फरार हो गई। छात्रा ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। क्या नाम है आपको? राहुल भारत सर। ये क्या हुआ, ये एक्सीडेंट वगैरह कैसे क्या हुआ? तो ये हुआ, यहाँ से चौराहे से पौड़ी चौराहे से मैं आ रहा था जी। पौड़ी चौराहे से मैंने देखा ये जो वैन थी, जो वो स्पीड में आई। किसकी वैन थी? सीआरपीएफ की है, पुलिस की जो भी है, वो स्पीड में आ रही थी काफ़ी ध्यान लगा के आई थी। और फिर यहाँ से जैसे मैंने पंचायत के इधर देखा, तो मैं उधर जा रहा था एम हॉस्पिटल साइड, तब देखा तो स्पीड में उन्होंने इधर टर्न लिया, लड़की इधर से जा रही थी। उसके बाद में जब वैन निकली तो देखा तो लड़की नीचे डर गई, अब वो लपेटे में आ गई। क्या हुआ ये वो, लेकिन बस लेकिन बस स्पीड में ठीक है, बस स्पीड में बस स्पीड में